हमारे सबसे दोगला पति होता है। इसने क्या किया पता है आपको? क्या किया इसने? मेरी बहन के जोड़ू आपके पैर पड़ू, निकलवा दो उनको। मतलब तुम क्या चाहते हो अपनी माँ को है? कहीं कोठे पर जाके बैठ जाए क्या? मतलब तुमको जब पता लग गया कि वो तुम्हारा ही बाप है, तुमको वही पैदा किया, तब उसका भी तुम टिकट बनवा दिए? समझ नहीं आ रहा केस क्यों क्या ये? माँ कहती है अपने आप को, शर्म भी नहीं आती उनको, सब दिख गया मुझे। वो सिर्फ मेरे साथ, मेरे प्रॉपर्टी के साथ थी, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वो चाहती, वो सोचती थी कि वो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी। भाई अगर ऐसा बात होता ना तो दूसरा शादी भी कर लेती। क्यों कर लेती? समझ रहे हो ना, उनको प्रॉपर्टी कहाँ मिलती फिर? मतलब दूसरी शादी कर लेती, पैसा चला जाता उनका, प्रॉपर्टी से जीवन कट जाएगा उनका। कट जाएगा भाई उनका, कट जाएगा। किसी का नहीं कटेगा ना यार। तो मुझे बताओ क्यों किया मेरे पापा के ऊपर केस? तुम बच्चे हो अभी, बालक हो अभी, बताओ ना क्यों किया है? जिस दिन सारी समझदारी तुमको आ जाएगी ना, ये बात नहीं बोलोगे। जलती हो मुझसे। हर इंसान को ना जीवन काटने के लिए किसी की ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। अकेला कोई जिंदगी होता है क्या? अकेले है वो, उनका सब कुछ। मैं उनको अपनी माँ, सगी माँ से ज्यादा मानता था। अभी मानने में क्या दिक्कत है? अभी माँ नहीं है वो। अभी माँ वाली हरकतें की उन्होंने? जलती हो, मेरे से जलती है, मेरी बहन से जलती है, मेरे पापा से। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दी, उन्होंने अब उनका कोई फायदा ही नहीं है। केस कर दिया, जेल में हो। कसम से बता रहा हूँ यार, तुम लोग ने यार दुखी कर दिया यार। दुखी तो मैं हो गया हूँ, वहां से वापस आया 50,000 रुपए का नुकसान करके। लगा दिया बाबू। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में, मैं हूँ कन्हैया सिंह। इस भाई साहब को आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीका से। इनके मतलब सारा परिवार, मतलब मुझे तो लगता है कि एकदम पागल ही है, एकदम टोटल के टोटल सारा परिवार पागल ही है। पागल ही है यार, तुमको भी बात करने के तरीका नहीं है, तमीज नहीं है, ऐसे किसी से बात किया जाता है? बताओ ना क्या करूँ मैं अभी। तुम लोग हमारे ऊपर आके गर्म होते क्यों भाई? हमने कुछ तुम लोग का बिगाड़ रखा है क्या? तुम लोग का तो कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ, लेकिन मुझे लगता है किसी ना किसी का पूर्व जन्म में मैं जरूर किसी ना किसी का बिगाड़ा हूँ, जिसकी वजह से आज तुम लोग हमारे तुमने बिगाड़ा ना, पता नहीं मेरी किस्मत क्यों बिगड़ती जा रही है। मेरा सब कुछ ही खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है? मेरे पापा जेल में, अभी बताओ क्या करूँ? जेल में है? हाँ। कौन केस किया है कि वो जेल में गए? वो माँ, वो जो बुढ़िया है। देखो सबसे पहले तो माँ को बुढ़िया नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? तुम्हारी माँ है वो। माँ वाले काम किए उनने? क्या ऐसा नहीं किया कि जो माँ वाले काम नहीं किया? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए थी बस वो, मुझे पता लग गया। सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था मैं। प्रॉपर्टी के लिए बाबू अगर उन्होंने शादी किया होता ना, तब तक दूसरा शादी करके तुम्हारे पापा के ऊपर आज से 20 साल पहले ही केस ठोक दिया होता। किस बात का केस ठोकती? शादी करने का, कि उन्होंने छोड़ दिया हमको। किया तो नहीं ना, समझ रहे ना? अब उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मेरी बात सुनो, सबसे पहले किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले ना सच्चाई के जानने की जरूरत होती है। जानो परखो उसको, क्या इसमें सही है क्या गलत है, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं लगाना। नुकसान करके आया हूं 50,000, आना जाना, मैं क्यों आया हूं यहां पे? क्यों आए हो? मेरे पापा को बचा, वही तो जानना चाहता हूं, उनको बुलाओ यहां पे। तुम्हारे पापा है एक नंबर के ना झूठे और कमीना आदमी है, समझ रहे हो ना? एक बार तो तमीज से, तमीज से मैं भी बता रहा हूं। हमारा ना खोपड़ी सटकार है एकदम बिल्कुल। तुम उस आदमी के लिए गा रहे हो जो एक नंबर के नीच और भाई मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, तकलीफ आ रही है, सच्चाई सुनने में तकलीफ आ रही है। सच्चाई नहीं है जो तुम जानते हो, ठीक है? मैं जानता हूँ, तमाशा बना के रख दिए हैं वो। मुझे बस ये जानना है कि क्यों किया केस? मैं बता दूंगा ना, उन्होंने केस इसलिए किया कि वो उनको छोड़कर विदेश जाना चाहते थे। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही है। अरे मैं गवाही देता हूँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो है, उन्होंने खुद बोला था कि मैं अभी विदेश जा रहा हूँ। तो उनको भी लेके जाते ना, तुमने पूरी बात सुनी उनकी, चले गए वो विदेश। तुम्हारी माँ को जो बीमार पड़ी है उनको बोल रहे थे कि मैं भी जाऊँगा वहाँ इलाज कराऊंगा, लेकिन कराएंगे? मैंने उनसे बात की थी, कह रहे मेरा ऐसी कोई बात नहीं है। पहले चिल्लाओ मत, आराम से सुनो। तब तुम्हारी माँ ये वाली जो बोली थी कि नहीं तुमको नहीं जाना, हो सकता है कि तुम जाओगे तो वहाँ उसको ख़त्म करवा दोगे, या कोई ना कोई तुम्हारा साजिश है कि तुम उसको ठीक नहीं होने देना चाहते हो, इसलिए वो नहीं जाने देना चाहती थी। तुम बात तब पूरा समझोगे नहीं यार, आके बिना मतलब के लड़ने लगोगे यहाँ पे। मैं उनको यहीं बुलाओ, अभी के अभी अभी के अभी बुलाओ।
मैं क्यों बुलाऊं भाई, जाओ तुम अपना मिल, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मेरे अगर फोन बंद करो भाई, नहीं नहीं जाती ना, बंद करो भाई, हमारे पास टाइम नहीं। भाई पहले बैठ के पूरी बात क्लियर करोगे? टाइम नहीं है ना, उतना टाइम नहीं है फालतू का। तुम लोग तुमने ये सारा काम किया ना, तुमने अभी तक, ये तुम्हारी वजह से चल रही है सब। हमारी वजह से चल रही है? हमारी वजह से तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कौन है, हमारी वजह से जानते हो कि तुम्हारा बाप कौन है, हमारी वजह से जानते हो कि तुम्हारा बहन कौन है, हमारी वजह से ये भी जानते हो कि तुम्हारी बहन ही तुम्हारी बीबी है। तुमको ये भी बताओ, तुमको अपना पहचान था, तुमको खुद नहीं था। अब ये बताओ कि अब केस क्योंकि ये भी तुम ही बताओगे। अब मुझे क्या पता, मुझे ये चीज नहीं पता कि तुमको बुलाओ ना, मेरा फोन नहीं उठा रही हो, बात तो करें, मेरे सामने तो आए हो। अभी फोन करके बुलाता हूँ। हर टाइम ये कर दे वो कर दे, पैसा 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 भाई पैसा। चुप हो जा, आराम से शांत रह, तुमको हमें बोलने कोई अधिकार नहीं, हम तुम्हारे घर की रोटी नहीं खाते। यार जिंदगी बर्बाद हो रही है, अपना नुकसान करो, अपनी माँ वहाँ देखूँ यहाँ देखूँ हर चीज़ में करूँ, अभी जो नुकसान हुआ कौन भरेगा इसका? हर टाइम बस ये करो वो करो। भाई तू चुप हो जा, नहीं अभी जो नुकसान हुआ कौन भरेगा? आराम से चुप हो जा, कौन तू भरेगा, तेरा बाप भरेगा और कौन भरेगा, चुप हो जा। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते नमस्ते, बोलिए। पहचान रहे हो? हाँ जी हाँ जी पहचान रही हूँ। कहाँ पे, कहाँ हो आप अभी? अरे भाई कहीं भी हूँ, सड़क पे हूँ, भीख मांग रही हूँ। अच्छा भीख, भीख मांग रहे? जब दिल करता तब फोन कर देते उठाकर, क्या काम है? मतलब आज हमारी बात आपको बुरा लग रही है ना? अरे काम बताओ। फोन हमारा जाते ही खून खोल जाता है आपका, है ना? लेकिन आप शायद भूल रहे हो कि आपका जो भी हुआ है ना, मसला हल हुआ है कन्हैया की वजह से ही हुआ है। खैर कोई बात नहीं, उतना हमको आज बहस करने का टाइम नहीं है, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ 5-10 मिनट के लिए। मैं नहीं आऊँगी, बिल्कुल नहीं आऊँगी। मैं आ जाऊँगा ना, बता दीजिए आप कहाँ पे हो, मैं ही आ जाऊँगा। किस लिए, काम क्या है, किस लिए मिलना है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है ना, अपना लोकेशन भेजिए, मैं ही आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, भेज रही हूँ लोकेशन, भेजिए। पर ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा देर नहीं आपका लेंगे। ठीक है। देखा, देखो वो बहुत गुस्सा में है। गुस्सा किस बात का गुस्सा है? अब मुझे क्या पता यार किस बात का, हमारे ऊपर मत चिल्लाओ ना, बोल रहा हूँ ना। मैं दिमाग खराब हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हूँ। उनसे मिलना है तुमको? हाँ। तो ये लोकेशन भेजी है, तुम अकेले चले जाओ मिल लो उनसे। अकेले क्यों जाऊँ? अच्छा अकेले नहीं जाओगे? जब तुमने सारा काम करवाया तुम भी चलोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, तुम लोग क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है यार, क्या तुम लोग चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, क्लियर बता दो ना एक ही बार में यार कि क्या करना चाहते हो। मैं भी दिया, मैं अच्छा भले यहाँ से चला गया था ना, अपना गर्दन काट के दे दूँ तुम लोगों को। मैं भी अच्छा भले यहाँ से चला गया था ना, क्यों आ रहे हूँ? चलो उठो। A few moments later. पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई उन्होंने। भाई क्या पढ़ाई, चुपचाप रहो, शांति से रहो, ठीक है? छुपा के लगाना बाबू, ठीक है? पता नहीं चलना चाहिए। आ रही है, यहीं कहता लोकेशन दी थी। लो आ गए। अब तो बोल रहे थे कि मैं भीख मांग रही। हाँ तो भीख मांगने का तरीका है? ये भीख मांग रहे हो? कैसा तो बात कर रही नहीं, तेरे से बात नहीं कर रही हूँ समझे, जिन्होंने बुलाया मैं उनसे बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। मैं इन्हीं के लिए बुलाया हूँ। बताइए। ये आपके लिए स्पेशल दोबारा वहाँ से विदेश से चल के आ गए। क्यों आया चल? अब ये इन्हीं से तुम बताओ ना, इन्हीं से बताओ, यही बताएंगे। मिनट शांति से, इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बताएंगे। बात कर करनी है तो मेरे से समझे, वरना थप्पड़ लगाऊंगी कस के। क्यों लगाओगे? हाँ बोल। क्यों लगाओगे? बोल। जेल क्यों भिजवाया पापा को? तुझे नहीं पता क्यों भिजवाया? नहीं तो उन्हीं से पता होता तो यहाँ था मैं।
तो उन्हीं से जाके पूछ लो कि क्यों भिजवाए मुझे जेल। तुमसे जानना है, उनसे नहीं, समझना। किसने बताया जेल में? मैंने तुमसे जो पूछा इज्जत के साथ बता दो, तमीज के साथ पूछ रहा हूँ मैं। ये तमीज के साथ पूछ रहा है? यही तमीज रह गई है। तुम लोगों ने ना मुझे पागल कर दिया है। पागल तो मैं हो गई हूँ। मतलब एक बात बताइए, क्या है, आप लोग क्या चाहते हो? मैं आत्महत्या कर लूँ क्या? हाँ, सबसे पहले आपने झूठ बोल क्यों बोला कि मैं भीख मांग रही हूँ? भीख मांग दिख रही है तुम्हें, भीख मांगती हुई है। तो क्या करूँ, मुझे कमाने के लिए, खाने, अपना पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है। दिख रहा हो कैसे कमा रहे हो तुम? इसीलिए मेरे को ऐसे बल के जाना पड़ता है। अच्छा। तुम भीख मांग रहे हो? क्योंकि मुझे और कोई आसरा तो है नहीं। मुझे कह रहा हूँ ना, सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए हो रहा था। प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने सारा मेरे नाम कर दिया। अगर तुम मुझसे बात करने आया ना तो मुझसे बात कर, उनसे बात मत कर। मुझे बस इतना जानना है तुमने क्या पट्टी पढ़ाई है। उधर वो बोल रही है कि मेरे को तलाक चाहिए, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये अच्छी बात है ना? मतलब एक बात बताओ। अच्छी बात है, मेरी एक बात सुन, एक बात सुन। आपको भी पता है कि मैं उनसे, उनको मैंने केस किया है। क्यों किया है? क्यों किया है वही तो जानना है मुझे। हाँ तो सुन ना। सुन ना भाई, आराम से सुनना यार। तुम हमेशा पावरफुल में ही रहता है यार। मैं कोई चीज सॉल्व करने के चाह रहा हूँ, तुम लोग और बढ़ावा दे रहे हो। सॉल्व नहीं होगा इधर। तो फिर क्यों बुलाता है इनको? बस जानना है मुझे इनको, क्योंकि इन्होंने जो बदनाम करता है, इन्होंने अभी तक जो कुछ हो रहा है ना, इनकी वजह से हो रहा है। हाँ तो सुन कि मैंने केस क्यों किया है। क्यों किया? क्योंकि मुझे इतना बड़ा वो चिट्ठा लेकर आया था बंदा मेरे पास, इससे साइन कर दो। किस चीज के लिए? उसने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, सब कुछ अपने नाम कर लिया, मेरे नाम कर रखा था। एक बात बताओ। अच्छा, मेरी बात सुनो। चलो मैं कुछ प्यार से बात करूँ, उसका जवाब दे देना, चिल्लाओ मत हमारे ऊपर। तुम्हारे पापा आज से ठीक कितना साल पहले शादी किया था आपसे? 25? हाँ 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं, 20-22 साल हो गए। हाँ जी। 22 साल पहले शादी क्यों किया था इनसे? मुझे क्या पता? नहीं पता है? नहीं पता। तो तुमको ये चीज इनसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना जरूरत है कि इन्होंने केस क्यों किया। भाई जब मेरी बात पहले पूरी सुन लो, तुम उनकी ना जायज नहीं नाजायज औलाद हो, समझ रहे हो? और ये ना जायज उनकी पत्नी है, साथ फेरे लिए उनके साथ में। मैं भी तो बेटा हूँ ना उनका। जायज नहीं हो ना? जायज नहीं हो तो इसका मतलब मैं उनका छोड़ दूं, उनको हमारी जुबान जेल में पड़े रहने दूं? हमारी जुबान मत खुलवाओ ना। नहीं, मैं क्या कहता हूं, यही कहता हूं, अगर मैं उनका खून नहीं हूं तो मैं उनको जेल में से पड़े रहने दूं? हमारी जुबान खुले तुमको बुरा लगेगा। उनकी गलती नहीं है उस वजह, उसके लिए अब मैं जो दिन रात खपती हूँ, पूरी पूरी रात काम करती हूँ। ये काम करती है वो, हाँ। वो काम ही है। उसको भड़काया, वो कह रही मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। आप बताओ, काम नहीं करूंगी तो मैं खाऊंगी कैसे? कैसे खाऊंगी? मुझे कौन देगा? सबकी भीख मांगू मैं? जब ऐसी हरकतें होंगी तो मैं भीख मांगना पड़ेगा। देख तो सही, तेरे चाचा लगता है तेरा, तू अपना बाप कहता ना, तेरे बाप ने किया क्या है? मुझे बोलते है कि तू जा अपने मायके, तेरी जरूरत नहीं है। यही बोला था ना कि तेरी जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को, एक बार मेरे को बताते तो सही, ये बोल रहे ऐसी, मैं समझाता उन्हें। अरे क्या तुम उसको क्या बताते यार, क्या बता, क्या सॉल्व कर दोगे तुम? मैं उनको एक बार समझाता तो मेरी बात मान जाते। मतलब मेरी बात सुनो, जो साला पति अपने पत्नी का नहीं हो सका वो तुम्हारा होगा। आज तुम उसका गुण गा रहे हो, हैं? अगर तुम्हारा होता तो आज से 20 साल पहले तुमको नहीं बेच देता हॉस्पिटल में। बेच दिया, जो पुराना होगा उसका रहने दे। तुम उसका आज गुण गा रहे हो। आज वो अपनी पापों की प्रायश्चित कर रहा है जेल के अंदर में, समझ रहे हो ना? उनकी गलती, उनकी क्या गलती है तुम बता दो ना मेरे को। तुमको यकीन नहीं हो रहा ना, विश्वास नहीं हो रहा ना, जाकर के हमारे चैनल पर का कमेंट पढ़ो, पब्लिक कितनी उनको अच्छी अच्छी लंबी लंबी कहानियां सुना रही है। भानु प्रताप एक नंबर का नीच और घटिया कमीना आदमी। भाई मैं कह रहा हूँ इज्जत के साथ नाम लो। इज्जत तुम्हारे साथ इज्जत, तो किया उन्होंने। इज्जत मेरे जूते के नीचे है। तो देख मैं कैसे बात कर रहा हूँ, उनपे क्या भड़क रहा, उनके का कसूर है? उनकी कसूर तो तुम्हारा है ना, उनकी वजह से तो सब कुछ सॉल्व हो रहा है। जो सॉल्व हुआ था तुमने वो भी खराब कर दिया। मैंने खराब कर दिया? अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनो, आप दोनों आदमी शांति से रहो। कैसे मेरी बात, रोती हुई गई थी ना पिछली बार? मैं सब जानता हूँ, मुझे आप मत बताइए ना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उन पर से केस हटा दीजिए। मुझे ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, मुझे पता है कि हमारी पब्लिक हमको गाली देगी,
लेकिन फिर भी मैं मजबूरन आपको मैं कह रहा हूँ कि उन पर से वो केस वापस ले लीजिए, उनको रिहा करवाइए, नहीं तो आपकी बेटी बोले तो इसकी बहन और पत्नी वो आत्महत्या कर लेगी। इनको कौन समझाए, इनका काम हो गया, इन्होंने कर दिया, क्योंकि आगे पीछे कुछ सोचा नहीं इन्होंने, आराम से बात नहीं होती तेरे से, क्योंकि उनकी दुख दर्द ना उसको पता है, उन्होंने पोस पाल के उसको बड़ा किया है, तो उसको पता है कि हमारे पापा क्या हैं और क्या हमारे लिए किए हैं। आज वो अपना नस काटने के तैयार हैं, इनको छोड़ने के लिए तैयार है। किधर जाऊं मैं, किसकी जाके रोऊं, क्या करूं मैं, मेरी पता नहीं क्या गलती है, बताओ ना, कमा के खा रही हूं, बताओ, मेरी बुरा लग रहा है। उस दिन इसके बाप ने क्या किया, चुन्नी लेकर आई थी, लाल चुन्नी उतार दी ना, कैसे उतारी थी, सबके सामने बताओ, सबके सामने बदतमीजी की हद पार कर दिए थे कि चुन्नी ओढ़ कर आई है, बताओ, मैं तैयार होती हूँ तो किसके लिए होती हूँ, कि मुझे काम नहीं मिलता, दर दर की ठोकरें खाई, किसी ने मेरे को काम नहीं दिया, क्या कि जिसका पति नहीं होता, साफ सुथरा रहना गुनाह है, इतना नीच घटिया घटिया बात उस दिन बोले थे, तुम सुनोगे तो तुम्हारे कान पड़ जाएगी। एक बार मेरे को बता दे सही, मुझे क्या पता है क्या हो रहा है तुम्हारे हॉस्पिटल में, तुम्हें उस भानु प्रताप के लिए इतना प्यार बरस रहा है, क्यों तुमने केस किया, करने दे रहा था किसी से, देखो आंखों में ये आंसू क्यों आया, मुझे आंसू से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस वो चाहिए कि वो ये केस मतलब उससे ले। इस आंसू से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं इससे, उस बाप से तुमको प्यार हो गया जो तुमको 25 साल पहले 20 साल पहले तुमको बेच दिया, सेल कर दिया एक पैसे के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस माँ की आंखों की आंसू तुमको नहीं दिखाई दे रहा, मजबूरी थी ना, मजबूरी किया ना, इसके पीछे मैंने कोई बच्चा दिया ना, किसके लिए बेचा, इनके लिए, अरे यार तो कुछ ये जी रही है आज उनकी बदौलत। अभी यार एक बार बताओ यार, तुम लोग क्यों यार बीते हुए बातों पे अब चर्चा करना चाह रहे हो, तबीयत खराब हो गई ना तेरी, इसलिए बोल रही हूँ तेरे को, ये जो जिंदगी जी रही है उनकी वजह जी रही है, शर्म नहीं आई इनको बिल्कुल भी, क्यों जी रही, मर जाती मैं इससे बढ़िया तो, क्या करूँ ऐसी जिंदगी जी के, उस टाइम नहीं समझ आया, केस कर दिया उन्होंने, कुछ गुस्से में बोल दिया, केस कर दिया। देख भाई मेरी बात सुन, आराम से रह, देख दिमाग को ठंडा करके अगर तू बात करेगा ना तो किसी समस्या का समाधान निकलेगी, किसी भी मसला का हल निकलेगा, ऐसे तू गुस्सा में बोलेगा, मान ले वो तेरी गुलाम नहीं है ना, ठीक है उन्होंने अपने कोख से तुझे पैदा नहीं किया, लेकिन है तो तेरी माँ, वो हरकत है माँ वाली, नहीं माँ का भी हरकत दूसरा होता है, माँ का भी दूसरा कोई हरकत होता है क्या, माँ माँ होती है भाई, इतना परेशान हूँ मेरी यहाँ तबीयत खराब है, वहाँ मैं हॉस्पिटल घूम रहा हूँ माँ के पीछे, वो ठीक हो जाए सब कुछ सही हो जाए, लेकिन सब तुम लोग सब खराब करने में लगे हो। अरे क्या खराब, मैं क्या खराब करने में यार, करना तो चाहिए, ये भी ये किसके लिए लड़ रही है, जो माँ तुम्हें पैदा किया, जो माँ तुम्हें अपने कोख में 9 महीना रखा, उनको ठीक करने के लिए ये सब हुआ, इन्होंने खुद बोला वो इंसान तो तुम्हारा बाप जो है, जो पोसपाल का बड़ा जो तुमको बेच दिया, वो उनको ठीक होने ही नहीं देना चाहता है वो, मैं समझाता ना उनको, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लेके गया, मैं देखूंगा उनको। अगर तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो ना, तो तुम्हारा सबसे पहले जिम्मेदारी था कि जब तुम अपने बाप को यहाँ से उस ठाकुर भानु प्रताप को जब तुम विदेश की टिकट बनवा दिए कि तुम भी चलो पापा, सब साला दुनिया मतलब ही है ना, सबको अपना दिखाई देता है, अपना दिखाई देता है, क्या करता मैं, तुमको बोलूंगा तो तुमको खराब लगेगा, वो मतलब तुमको जब पता लग गया कि वो तुम्हारा ही बाप है, तुमको वही पैदा किया है, तब उसका भी तुम टिकट बनवा दिए कि चलो पापा आप विदेश, हैं क्या करता, लेकिन माँ के बारे में नहीं सोचा तुमने, जो तुम्हारे उस ठाकुर भानु प्रताप के चलते 20 साल तक कोई शादी वादी नहीं किया, इसी को मैंने, मेरी गलती है कि सबकी गलती है, तुम्हारी भानु प्रताप की गलती है, वो ठाकुर भानु प्रताप जो बोलता है, तुझे तो बस एक ही चीज आती है, माँ के ऊपर कैसे तैसे उंगलियां उठाऊ, माँ को बुरा बनाऊ, मैंने तो तुझे कभी बुरा नहीं बोला, मैंने आपको कुछ बोला क्या, मतलब तुम क्या चाहते हो अपनी माँ को, है कहीं कोठे पर जाके बैठ जाए क्या, शर्म नाम किसी ने इज्जत के साथ बात करो, ठीक है ना, बुरा लग रहा है ना, नहीं मैं बता रहा हूँ बुरा लग रहा है तुमको, यहाँ तुम बेइज्जती कर रहे हो उनको बुला करके, इस तरह घटिया घटिया बात, क्या बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी माँ है तुमको शर्म आ ही नहीं रही, हमको शर्म आएगी, क्या कसूर है उनका, किस पाप की वो भुगतान कर रही है, वो हमारे पास आई थी इसलिए, या मैं उनको बुलाया था इसलिए, या यहाँ रोक के रखा था उनको कि मैं आपके मैटर को सॉल्व करके भेजूंगा इसलिए, इन्होंने ना तो कसम, बेटा 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 लोग साला बेटा पैदा करता है, बेटा पैदा करता है कि बेटे से सुख होगा, यही सुख हो रहा है बहनचोद,
इन्होंने ना कसम खा ली है कि मुझे मारने की, मुझे रुलाने की कसम खा रखी है। मेरा जीने दुश्वार हो गया, यहाँ तक कि मैंने काम करके कमा के खा भी नहीं सकती, वो भी इनको खटकती हूँ मैं। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? मैं हूँ ना अभी, मैं हूँ ना, मर तो नहीं गया अभी। देखो मेरी बात सुनो, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहते हो ना कि आपके बेटी जो है, बेटी बोलो या बहू बोलो, अब तो बहू भी बन सकती है। वो अलग पीछे पड़ी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो मतलब वो उसको ज्यादा शौक हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मी ने पापा के ऊपर क्यों केस कर दिया। एक तो बड़ा मुश्किल से हमारा परिवार मिला था, कहीं ना कहीं सारा दुनिया ना स्वास्थ्य के पीछे छुपा हुआ है, सबको अपना अपना दिखाई दे रहा है। उसको भी पता चल गया कि हमारे पापा वही है, इसलिए वो भी अपने पापा के लिए वो मर रही है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप केस हटा दीजिए, जो वापस मैं भी बस यही चाहता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। आपको कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताओ, लेकिन उनको बाहर निकालो, उनको बस बाहर निकाल दो बस। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बंदे का मैं केस वापस नहीं लूंगी, सड़ने दो उसे। देख रहे हो बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ, ऐसा क्या कर दिया? पूरी पब्लिक के सामने मेरी चुन्नी उछाली, बताओ ये क्या छोटी बात है? तू खुद सोच ना बेटा। उनको बाहर तो निकालो, मैं इस बारे में बात करूंगा। नहीं निकालूंगी जब तक उसे, देख रहे हो ये जो देख रहे हो ना तुम, अपने किए का पछतावा नहीं होगा ना, मैं नहीं निकलूंगी से बाहर। देखो दुनिया आजाद है, सब मेरी अंतरात्मा होती है, मैं इनके ऊपर दबाव नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ये इन लोगों की पति पत्नी का मैटर है, सवाल है। पति पत्नी का नहीं, वो मेरे बाप का मैटर है। हमारे भोजपुरी में एक कहावत बोलते हैं, मरद मेहरारू के झगा राजा छोड़ावे जैसे लावारा, समझ रहे हो? हिंदू में इसको, हिंदी में उसको बोलूं? समझ गया मैं। पति पत्नी का जो झगड़ा होता है ना, जो छुड़ाने जाता है ना, वो सबसे बड़ा लावरा यानी बेवकूफ आदमी होता है। क्योंकि पति पत्नी कितना लड़ेगा ना, आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को ही रहेगा। पत्नी को देखो क्या क्या, पत्नी जेल पहुंचा दिया पति को, तो उन्होंने उसी लायक कर्तव्य किया, उसी लायक उन्होंने जो कर्म किए हैं वो तो भुगतना पड़ेगा ना। ये तो कलयुग है, मुझे किसी वीडियो से मतलब नहीं है, मुझे अपने बाप से मतलब है। धक्का दिया था उन्होंने, पता है कौन पकड़े थे, कोई धक्का मार दिया था ना मेरे को। हाँ हाँ, कितनी तेज की गिरी थी। कौन सी पति है जो अपनी पत्नी का ऐसे चुन्नी खींच के उछालेगा, बताओ? है कोई? बताओ, से मैं कर मतलब दिया होगा उन्होंने। कोई पति ऐसा है जो बीच बाजार या बीच फील्ड में या बीच रोड पे पत्नी का ऐसे साड़ी खोल कर नंगा करने की कोशिश करे? है कोई? गलती से कर दिया उन्होंने, गुस्से में थे, मैं समझाऊंगा ना, दोबारा नहीं करेंगे। जितना मर्जी बुरा इंसान है, ऐसे कभी नहीं कर सकता। लेकिन तुम आज गंदे गंदे इल्जाम लगाए। एक बात बताओ, जेल गए हैं तब से उनसे मिलने गए हो कभी? नहीं गए हो ना? पता ही नहीं है कहाँ है, क्या, कौन सी जेल में है। मेरे को उसने बताया पापा जेल में है। अच्छा, आ गए मम्मी को सुनाने के लिए, विदेश से तुम मम्मी को सुनाने के लिए स्पेशल आ गए। पचास हजार तुम अपना नुकसान करके आज यहाँ आ गए हो, नुकसान है मम्मी को खरी काठी सुनाने के लिए, लेकिन तुमको ये नहीं दिखाई दिया कि हाँ मम्मी किस हालत में है। कह रहा हूँ किस्मत ही बर्बाद हो रही है ना। लेकिन इनकी भी गलती है ना, ये सबसे पहले तो ये झूठ बोली कि मैं रोड पे भीख मांग रही है, लिपस्टिक लगा के घूम रही है, सब के सब तुम लोग ना। तो तुम्हें बताया नहीं मैंने कि मुझे काम करना पड़ता है, मुझे जॉब करनी, पेट का क्या करूं मैं, खाना ना खाऊं। मैं एक बार भी अपने फोन करके बोला मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे तेरा बाप जो है मुझे तेरे से बात करने देता है। तुम्हारा भाई ये फोन नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ, इसमें नंबर नहीं है तेरा नंबर। कितने नंबर चेंज करवा चुका तेरा बाप तेरे, बता। मैं काम नहीं करूं तो क्या करूं, मैं हर जगह थक गई थी कि काम मांग मांग के किसी ने मुझे नहीं दिया था। जेल से वापस बुलाओ, मैं बात करता हूं ना। पता नहीं है जिसका पति जिसके साथ नहीं रहता ना, उसके औरत का जीना कितना दुश्वार हो जाता है, तू नहीं जानता। उनको आप वापस तो निकालो जेल से, मैं बात करूंगा ना। सबको ये दिखता है अच्छे से बन के आती है, लिपस्टिक लगाती है, बिंदी, ये नहीं दिखता कि वो क्या क्यों कर रही है। मुझे कितना बड़ा दिल रखना पड़ता, कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ता अपने पे, मेरे मुझे शौक आता है क्या? आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे, आपने भी आखिर मुझ पे उंगली उठाई दी ना। देखिए हम मजबूर हैं, क्या करिएगा, आपके घर में ना कोई समझने वाला बात को है ही नहीं, सब बस। मैं ये चाहता हूँ मेरे पापा को बुला दो, वरना बहुत और खराब कर दूंगा मैं यहाँ सब कुछ। मतलब पापा को अब हम नहीं बुला सकते ना, उनके ऊपर जब FIR हुआ है, कोर्ट में मामला चला गया है, तो पापा का ये जब तक नहीं कुछ कहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? क्या चाहते हो आप, आपके हाथ जोड़ लो, आपके पैर पकड़ लो। फोन ले दी, कंपनी वालों का फोन है, ये मेरा फोन भी नहीं है। मेरे को बुलाओ, उनको निकलवा दो ना जेल से। किस्त भी नहीं उतारी मैंने, उनको जेल से वापस बुलाओ।
क्या चाहते हो? हाथ जोड़ू आपके, पैर पड़ू, निकलवा दो उनको। हट जा पीछे। निकलवा दो उनको जेल से। नहीं निकलवाऊंगी मैं, नहीं। मर जाएंगे वहां पे वो। सड़ने दो तो भी पता चलेगा कि जब किसी के दिल पर बिटती है तो क्या होता है। अपना खून होता है, यही होता है अपना। अपने कोई लगी होती है। तेरे पीछे मैंने कोई औरत नहीं करी 22 साल तक, 20 साल तक। मेरी बात सुनिए। गुस्सा ना इंसान के अकल को खा जाता है, समझ रहे हैं ना? गुस्सा से किया हुआ हर फैसला गलत होता है, आप सबको पता है। समझदार आदमी हो और एक सीनियर सिटीजन में आप आने वाले हो, किसी भी सिचुएशन को प्यार से अगर आप लोग हैंडल करिएगा ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गुस्सा से करोगे आप लोग तो और मामला बिगड़ते जाएगा, खराब होते जाएगा। जब से आया मेरे को पर सुनाया जा रहा कभी इतनी देर से, एक घंटा हो गया इसने प्यार से मेरे वो अपना 50,000 जो नुकसान करके यहाँ पे आया है ना विदेश से, उसी का गुस्सा आपके ऊपर उतार रहा है। अपने लिए करके आया ना, कौन सा अपनी माँ को 50 पैसे भी दिए इसने? वही बोल रहा हूँ ना, सबको अपना अपना दिखाई देता है। अपना क्या भाई? भाई सबसे पहले तो हमारे ऊपर तू चीख मत चिल्ला मत, बहुत देर से तेरा नौटंकी सुन रहा हूँ। तुम लोग बाप के नौकर नहीं है कि यहाँ हम आके भाषण तुम लोग का एक एक घंटा डेढ़ घंटा सुनते रहेंगे? तुम उनको जेल से निकलवाओगे या नहीं निकलोगे ये बता दो बस। नहीं नहीं निकलवाएंगे, अब मैं कह रहा हूँ ना नहीं निकलवाएंगे, वो उसी लायक कर्तव्य किए हैं, नहीं निकलवाएंगे। मैं तुम सबको अंदर करा दूंगा। हाँ, करा देना। जाओ निकलो यहाँ से, जाओ जो भी करना है कर ले। हाँ जाओ यार, निकल अंदर कर, जाओ यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। तमाशा कर रहा है आके यहाँ पे, धमकी दे रहा है, तेरे जैसे चार लौंडे को रोज घुमाते हैं हम। एक बात बताइए, इधर आइए, आपने सचमुच में केस क्यों किया? केस मैंने इसलिए किया। आपने तो उस दिन मैं बोला था कि नहीं मैं कोई दूसरा शादी वादी नहीं करूंगी, मैंने केवल ऐसे करने के लिए उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा बोला, फिर आप केस क्यों कर दिए उनके ऊपर? आप जानना चाहते हो मैंने केस क्यों? हाँ बताइए ना। मान लीजिए आपके वो पति है, पति परमेश्वर होता है, पति ऐसा होता है। इतने दिनों मेरी बात सुनिए, इतने दिनों से आप लोग लड़ रहे थे, ठीक है वो चीज़ तो समझ में आ रहा था, लेकिन एक पत्नी अपने पति के लिए इतना कठोर फैसला ले सकती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने भी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी इंसान होता है, ऐसा भी पति होता है, दोगला पति होता है। इसने क्या किया पता है आपको? क्या किया इसने? मेरी बहन के क्या ही बोलूं मैं, कैसे बोलूं, आप सुन पाओगे? क्या मतलब बहन का नहीं समझा? इसने मेरी बहन के पति के कत्ल लेंगे, इसने मेरी बहन के पति को मार दिया है, उनकी अच्छा, हत्या करी है। अच्छा जो मुझे बोला भी नहीं, जो कोमा में है। अच्छा जो आपकी वो बहन जो कोमा में है उनके पति को? हाँ जी। और ये भी पता कोमा में ये बच्चे की वजह से नहीं गई है? अच्छा ये सब झूठ है, ये सब नाटक है कि तुम तेरी बहन जो है बच्चों की वजह से टेंशन की वजह से कोमा में चली गई। अच्छा। नहीं उनको मारते थे ये भानु प्रताप, ये मारते थे कि मुझसे शादी कर मुझसे शादी कर, ये कहती मैं शादी नहीं कर सकती। यानी कि उनको कोमा में भी पहुंचाने वाला ये ठाकुर भानु प्रताप ही है? यही है जिसकी वजह से मैंने ये केस किया है। इसी का मतलब लग रहा है इसी की वजह से वो ठीक नहीं होने देना चाहता है। इसीलिए वो ठीक नहीं होने देते कि वो ठीक हो जाएगी तो पूरे राजपाट में खुल जाएंगे, सब कुछ पता नहीं देगी वो। अगर ऐसा है ना तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जीवन में कभी भी वो केस मत उठाना जो आपने उसके ऊपर किया है, उसको सड़ने दो जेल के अंदर में, ठीक है? मैं आपका 100% सपोर्ट करूँगा, जितना होगा उतना जो चीज़ से होगा वो केस तक मैं लड़ूंगा, क्योंकि उसने जेल से बाहर निकलने वाला ऐसा काम कोई किया ही नहीं है, ठीक है ना? कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं दिख रहा जो कि मैं अप्रोच लगाऊं इनको छुड़वा दूं। किस वजह से छुड़वा दूं इनको, किसके लिए छुड़वा दूं? बिल्कुल अब तो छुड़वाने का कोई मकसद ही नहीं है। देखिए अब तो हमारे पास पुख्ता सबूत भी हो गया है, अगर आप छुड़वाओगे भी ना तो हम नहीं छुड़वाने देंगे, क्योंकि देखिए हम कैमरा लगाए हैं, सारा रिकॉर्ड किए हैं, सूरज का भी बात और आपका भी। मैं अपने तरफ से उस केस को लड़ूंगा लेकिन उसको बाहर नहीं निकलने दूंगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस कैमरे से? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप गवाही दोगे ना? बिल्कुल, मैं भी उसमें गवाही दूंगा, 101% दूंगे। उसको सजा दिलवा कर रखेंगे हम। ठाकुर भानु प्रताप आके बोलता है ना, ठाकुर भानु प्रताप अब तू गया, अब तू सड़ेगा जेल में। एक नहीं कितनी लोगों की जिंदगी बर्बाद करी, देखो ना आप। मुझे तो पता ही नहीं था, जब ही मैं सोच रहा था कि वो उसको उनको क्यों नहीं जाने दे रहा है विदेश ठीक होने के लिए, अगर वो जाने के लिए अगर रेडी भी हो गई
तब कह रहा है कि पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा विदेश में। देखो तभी मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ इसमें है, ये कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से उनको ठीक नहीं होने देना चाहता है। अपने पाप छुपाने थे ना इसको। चलिए ठीक है, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया और आपके उस सूरज के वजह, आपके उस लड़के के वजह से, ठीक है मुझसे जो भी अगर गलती हुआ उसको माफ़ करिएगा, आप जा सकते हैं आप अपने काम पे, ठीक है। अगर ऐसा कोई बात होगा तो हम आपको फिर बुलाएंगे, ठीक है। जाइए, कोई बात नहीं, गलती हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बंद करो बाबू।